दोस्तों, दुनिया में जब भी किसी रिकॉर्ड की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का, चाहे वह मशहूर रिकॉर्ड हो चाहे वह अजीबो गरीब रिकॉर्ड हो। लेकिन क्या आपको पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ आ क्रेजी फैक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, गिनीज बुक को बनाने का आइडिया 1951 में गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यू बीवर को आया था। उस समय वह एक बर्ड शूटिंग पार्टी में गए हुए थे, जहां पर उनके दोस्त से एक छोटी सी बात पर बहस हो गई कि यूरोप का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। दोनों ने सारी किताबें छान मारी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। उस समय उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें सारे फैक्ट्स की डिटेल हो। काफ़ी सोच विचार करने के बाद 1954 में ह्यूग ने अपने घर पे एक निशानेबाजी की पार्टी रखी, और इस पार्टी में नॉरिस और रॉस नाम के दो जुड़वा भाइयों को अपना यह आइडिया बताया। दोनों भाई लंदन में फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी चलाते थे, इसलिए दोनों भाइयों को यह आइडिया काफ़ी पसंद आया। इसके बाद ह्यूग ने और दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटे से घर में बुक बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कई फैक्ट्स के बारे में रिसर्च शुरू की। कई दिनों तक ही रिसर्च करने के बाद उन्होंने किताब लिखने का काम शुरू किया। तीनों ने एक भी दिन नहीं छोड़ा और लगातार काम करते रहे। इस तरह कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बुक को तैयार कर लिया और इसे 27 अगस्त 1955 को 198 पेजेस के साथ लंदन में लॉन्च किया गया, और इसकी 70,000 से भी ज़्यादा कॉपियां बिक गई, और यह 100 से ज़्यादा देशों में और 37 भाषाओं में पब्लिश की गई थी। और तब से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली किताब बन गई थी, और तभी से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सिलसिला शुरू हुआ था।